आज 24 आवर्स टुडे न्यूज की टीम पहुंची जनपद मुरादाबाद के विकास खंड डिलारी के ग्राम पंचायत ईसापुर भूड में, जहां ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी धर्मपाल से की चुनाव के मुद्दे पर बात। इस बार धर्मपाल सिंह नए वादों के साथ चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं जनता का भी पूर्ण समर्थन मिल रहा है। धर्मपाल सिंह का कहना है, ग्राम पंचायत के दोनों गांव में विकास की गंगा बहा दूंगा, हर घर शौचालय और गांव की गरीब जनता को आवास, गांव में सड़क, बिजली, पानी, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, खेल कूद के लिए मैदान, इन सभी बातों के साथ मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। जनता के सहयोग से प्रधान बनने के बाद मेरे द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। वहीं मौजूद जनता ने भी उनका समर्थन किया और कहा कि 70% जनता उनके साथ है, ये गांव के भले आदमी हैं। चुनाव जीत के बाद अपने वादों पर खरे उतरेंगे, गांव की जनता को इन पर भरोसा है। वहीं धर्मपाल सिंह ने भी कहा कि जिस तरह से आज जनता मुझ पर भरोसा करती है, मैं कभी उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दों पर वोट मांग रहा हूं। गांव की सभी जनता से मेरा कहना है, आप ऐसा प्रत्याशी चुने जो गांव में विकास करा सके। मुझे आने वाले चुनाव में आप सभी का सहयोग चाहिए। नमस्कार, मैं लोकेश सिंह और आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर टुडे न्यूज चैनल। मैं मौजूद हूँ विकास खंड डिलारी के गाँव ईसापुर भूड में, जहाँ प्रधान पद उम्मीदवार है धर्मपाल सिंह, जो इस समय जनता के साथ मौजूद है। जब यहाँ हम आए तो देखा कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ जनता मौजूद है, उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। तो चलिएगा उनसे हम बात करते हैं कि क्या रणनीतियाँ हैं उनकी जो इस समय मैदान में हैं, और चुनाव जीतने के बाद क्या क्या विकास कार्य कराएंगे। आपका नाम क्या है? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह जी, यहाँ जब हम आए तो हमने देखा कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ जनता मौजूद है जो आपको समर्थन कर रही है, तो क्या आप किन रणनीतियों के साथ चुनाव मैदान में हैं, कैसा विकास कार्य कराएंगे अपने गाँव में? विकास कार्य साहब अच्छे सड़क है, तब रास्ते मजबूत जी। जिस तरह से यहाँ देखा गया कि कुछ रास्ते अभी कच्चे हैं, क्या आप उनको पूरी तरह से प्रधान बनने के बाद में कराओगे? हाँ, पक्के कराएंगे। पक्के कराओगे? पक्के कराएंगे। अच्छा, जैसे कि स्कूल की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो क्या आपका ध्यान स्कूल की तरफ भी रहेगा, बच्चों की शिक्षा के लिए? बच्चों की शिक्षा के लिए ध्यान रहेगा, बराबर ध्यान रहेगा। बराबर ध्यान रहेगा। और जो महिलाएं होती हैं, गरीब महिलाएं होती हैं, जिनके क्या है पेंशन नहीं मिल पाती, पेंशन बन नहीं पाती, तो क्या उनके आप पेंशन बनवाएंगे? बिल्कुल पेंशन बनवाएंगे सर, बिल्कुल पेंशन बनेगी। और मनरेगा के तहत जो गांव में बेरोजगार होते हैं, उनको किस तरह से रोजगार देंगे, क्या उनको रोजगार मिलेगा? रोजगार मिलेगा, पूरी अच्छी तरह से रोजगार दिया जाए जाएगा। आपकी ग्राम पंचायत में कितने गांव लगते हैं? दो गांव लगते हैं सर। दो गांव लगते हैं। अच्छा, कितना समर्थन आपको यहां जनता दे रही है, किस तरह से समर्थन आपको मिल रहा है? 70% आपको यहाँ समर्थन मिल रहा है। जैसे कि अभी सभी ने बताया कि यहाँ मतलब सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सारी जाति के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों गांव से? दोनों गांव। चलो अच्छा है, आप इसमें उम्मीदवार हैं और आपकी रणनीतियाँ अच्छी है, तो जिस तरह से विकास आप जो रहा है पीछे, उससे ज़्यादा ही कराना होगा। जिस तरह से लोग आप पर विश्वास करते हैं, आने वाले समय में अगर आप जीत जाते हैं तो उनके विश्वास को कायम रखोगे? बिल्कुल। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैयालाल। कन्हैयालाल सैनी। कन्हैयालाल सैनी जी, अच्छी तरह से आप इस गांव में काफी वर्षों से रहते हैं। हाँ। तो जो प्रधान पद उम्मीदवार हैं, किस तरह के उम्मीदवार हैं? अच्छा होना चाहिए कोई, मतलब जो है अगर ये निकल जाए तो। अच्छा, ये निकल जाए तो। हाँ। आप इनको सपोर्ट करते हैं? हाँ, हाँ, मैं सपोर्ट करता हूं। पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कितने वर्ग के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं? करीब सभी के हैं, ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं जीत जाओगे तो आपको जो सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पाई हैं, क्या मिल पाएंगी? जब मिलेंगे, जब आएंगे तो मिलेंगी भी, या लाने वाला लागा तो मिलेंगी, नहीं तो ऐसा कैसे मिल जाएगा? नहीं, आपने विश्वास भी तो क्या है ना। हाँ, विश्वास है। हाँ, ठीक। मेरा नाम अमित कुमार ग्वाल है साहब। ग्वाल जी, धर्मपाल सिंह जी के बारे में क्या जानते हैं, किस तरह के? काफी अच्छे, और जी जैसा कि देखते हुए काफी अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छा, और सभी वर्ग इनके साथ। अच्छा, जितने भी यहाँ कैंडिडेट हैं, क्या उनसे ज्यादा मजबूत आई इनमें है, मजबूत है आज की डेट में? आजकल के माहौल को देखते हुए तो इनका माहौल काफी ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा, अच्छा माहौल है, मतलब जनता भी सपोर्ट करी यहाँ, जैसे बुजुर्ग जितने भी थे, जनता जितनी थी, सबने इनका अच्छा सपोर्ट किया। बुजुर्ग हैं और युवा हैं, ज्यादा से ज्यादा इनका सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, युवा वर्ग ज्यादा से ज्यादा इनका सपोर्ट कर रहा है, तो युवा वर्ग क्या अपेक्षा है इनसे, किस तरह से काम करेंगे? युवा वर्ग की इनसे ये उम्मीद है कि साहब बस गाँव को देखते हुए गाँव का विकास करें जी, और आने वाली योजनाओं का सभी जो लाभार्थी हैं उनको हम तक पहुँचाएं जी। ठीक है सर। आपका शेष राम सिंह सागर। शेष राम सिंह सागर जी, धर्मपाल सिंह जी के बारे में क्या जानते हैं आप?
किस तरह के व्यक्ति हैं, उम्मीदवार हैं इस बार वो चुनाव में प्रधान पद के, किस तरह? बढ़िया लग रहे हैं साहब, सब गांव वालों को इसीलिए बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, सभी गांव वालों सबका सपोर्ट है उनके लिए? हाँ, सबकी सपोर्ट है। अच्छा, विकास कार्य कैसा कराएंगे जीतने के बाद? जीतने के बाद जैसे हम लोग भी कहेंगे विकास उसके अधिक से अधिक कराएगा। अधिक से, जैसा कि आपकी ग्राम पंचायत अलग हुई है इस समय, तो आपको उम्मीद भी ज्यादा होगी क्योंकि विकास ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए, यही उम्मीद है हमारी, यही उम्मीद है, इसलिए आपने इनको चुना है? इसलिए चुना साहब, इनके धर्मपाल भाई हमारे सही काम कर देंगे, छोटे आदमी है जी, बड़े बनेंगे तो उनसे कुछ कहेंगे भी नहीं, छोटा रहेगा तो अपने कह तो लेंगे कुछ। ठीक है सर, कहाँ? किशोरी सिंह सागर। किशोरी सिंह सागर जी, प्रधान जी धर्मपाल सिंह के बारे में क्या जानते हैं? बहुत अच्छे आदमी है, भले हैं, भले आदमी, समाज के हित की बात सोचते हैं। अच्छा, समाज के हित की बात सोचते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आप सभी ने इन्हें चुना है, आपको उम्मीदें हैं, तो विकास कार्य क्या अच्छा रहेगा इनके कार्यकाल में? उम्मीद तो यही है कि अच्छा कार्य करेंगे। अच्छा कार्य करेंगे। अच्छा, जनता जो भी सभी जनता है यहाँ जितने भी हर वर्ग का आदमी सपोर्ट कर रहा है, हर वर्ग का व्यक्ति जो भी जनता है सब सपोर्ट कर रही है। अच्छा, महिलाओं की तरफ से कितना सपोर्ट है इनको? महिलाएं भी लगभग 70% ही सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं कि कोई महिलाएं आदमियों से अलग है, सब उन्हीं के साथ चल रही हैं। अच्छा, क्या ऐसा आपने क्या ऐसा सोच लिया कि इन्हीं को जो प्रधान पद का उम्मीदवार बनाया जाए? इनको पहले से देखते हैं, जानते हैं, अच्छे भले आदमी दिखाई देते हैं, तभी तो इनको सपोर्ट करा गया है। अच्छा ना, नृपेंद्र शर्मा। नृपेंद्र शर्मा जी अभी धर्मपाल सिंह जी ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी हैं, क्या जानते हैं आप ऐसे इनके बारे में, किस तरह के व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे आदमी। अच्छा, बहुत अच्छे आदमी। अच्छा, जैसे आपने इन्हें गांव वालों ने, आप सभी जनता ने इन्हें चुना है, क्या विश्वास करते हैं आगे अगर ये चुनाव मतलब प्रधान बन जाते हैं तो क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? हाँ, जो गांव वाले चाहेंगे वो करेंगे, हमें उम्मीद है। आपको उम्मीद है। अच्छा, कितनी जनता इनको सपोर्ट करती है गाँव? इन्हें लगभग 70% इस टाइम तो 70% है। हम तो पंडित हैं, जाति से ये जाटव हैं, फिर भी हम इनके साथ हैं। अच्छा, फिर भी आप इनके साथ हैं, तो जैसे आप हैं ऐसे ही ना जाने कितने लोग इनके साथ हो? सभी जाति के आदमी इनके साथ, सभी जाति के आदमी। चलिए,